महाभारत के युद्ध में कर्ण ने दो बार दिया अर्जुन को जीवन दान, आखिर कब और क्यों जीवन दान दे दिया था? इतिहास में कुरुक्षेत्र के युद्ध को हम धर्म युद्ध के नाम से जानते हैं, लेकिन इस धर्म युद्ध में छल करना आम बात हो गई थी। युद्ध में छल करने से कोई भी पीछे नहीं हटा, चाहे वो कौरव हो या पांडव हो। लेकिन एक ऐसा योद्धा था जो हमेशा धर्म के अनुसार ही युद्ध लड़ता था। वो योद्धा कभी भी युद्ध में छल नहीं करता था। हम बात कर रहे हैं दानवीर कर्ण की। वो कर्ण जिन्हें देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे, जिनके साथ हमेशा ही अन्याय हुआ। जब विद्या प्राप्त करने गए तो गुरु द्रोणाचार्य से तिरस्कार मिला। भगवान परशुराम ने शिक्षा तो दिया, लेकिन उसे भूल जाने का श्राप भी दे दिया कि जब अधिक संकट आएगा तो तुम सारी विद्या भूल जाओगे। अनजाने में जब उन्होंने एक ब्राह्मण की गाय को मार डाला, तब उन्हें एक और श्राप मिल गया। अंतिम युद्ध के दौरान ये सारे श्राप एक साथ दानवीर कर्ण पर हावी होने लगे। एक और ब्राह्मण के श्राप के कारण अर्जुन के रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है, तो दूसरी ओर परशुराम जी के श्राप के कारण वो अपनी विद्या भूल चुके थे। ऐसे हालात में कर्ण बहुत दुखी हो चुके थे और अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम दो घड़ी प्रतीक्षा करो जिससे मैं इस फंसे हुए रथ को निकाल लूं। इसके बाद मैं अवश्य तुमसे युद्ध करूंगा। तुम यह मत समझो कि मैं तुमसे डर कर यह बात बोल रहा हूँ। अर्जुन, तुम एक वीर योद्धा हो, महान कुरुवंश में जन्मे हो। मैं अभी निशस्त्र हूँ, कायर की तरह मुझ पर प्रहार मत करो। यह बोलकर जब कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने उतरते हैं, तब अर्जुन ने निशस्त्र कर्ण पर बाण चलाकर उन्हें मार देते हैं। इस तरह छल से महान योद्धा की मौत हो जाती है। मौका पाकर अर्जुन ने कर्ण को छल से मार डाला था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में कर्ण ने अर्जुन को दो दो बार जीवन दान दे दिया था। कर्ण अर्जुन महायुद्ध महाभारत का सबसे भीषण और भयंकर युद्ध था। इस युद्ध के दौरान कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए सर्पमुख बाण चलाया था। अर्जुन को मारने के लिए कर्ण इस बाण को बरसों से संभाल कर रखे थे और हमेशा इसकी पूजा करते थे। कर्ण के उस बाण में नाग अश्वसेन घुस गया था, लेकिन इस बारे में कर्ण को कोई जानकारी नहीं थी। इस बाण को छोड़ते समय कर्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब तो निश्चय ही तू मारा जाएगा। कर्ण का सर्पमुख बाण इतना भयानक था कि इस बाण को देखकर देवराज इंद्र को लगने लगा कि अब उनका पुत्र अर्जुन अवश्य मारा जाएगा। उस बाण के छूटते ही समस्त आकाश जल उठा, सैकड़ों उल्काएं गिरने लगी। कर्ण के सर्पमुख बाण का कोई काट अर्जुन के पास नहीं था। अर्जुन इस बाण को देखते ही रह गए थे। लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने खेल सा किया। उन्होंने अपने पैर से रथ को दबाया और जोर से पटका, तब उनका रथ जो है जमीन में धंस गया। भगवान श्री कृष्ण की लीला के कारण वो बाण अर्जुन के सिर को काट नहीं पाया। वो बाण अर्जुन के मुकुट पर जाकर लगा और उस मुकुट के परखच्चे उड़ गए। दोस्तों, आपको पहले बताया था कि कर्ण के उस बाण में नाग घुस गया था। अब अर्जुन का वध ना होने के कारण वो नाग फिर से कर्ण के पास लौट आता है और कर्ण से कहता है, आप मुझे अपने बाण पर बैठा कर फिर से छोड़िए, इस बार अवश्य मैं अर्जुन का सिर काट दूंगा। उस नाग की बात सुनकर कर्ण उससे कहते हैं, हे नाग, मैं कभी भी दूसरों की ताकत से युद्ध जीतना नहीं चाहता, भले ही मुझे 100 अर्जुन को क्यों ना मारना पड़े। मैं एक बाण को दो बार अपने धनुष से नहीं चलाता, मेरे पास और भी उत्तम बाण है, उससे मैं अर्जुन का वध करूंगा। हे नाग, तुम यहाँ से चले जाओ। दोस्तों, अगर कर्ण चाहते तो वो नाग अश्वसेन की मदद से अर्जुन को मार सकते थे, लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया। कर्ण छल के सहारे अर्जुन को नहीं मारना चाहते थे, वो अपने बल पर ही अर्जुन को मारना चाहते थे, इसलिए वह अर्जुन को जीवन दान दे देते हैं। दोस्तों, कर्ण अर्जुन युद्ध में एक अवसर ऐसा आता है जब कर्ण अर्जुन को आसानी से मार सकते थे, लेकिन वो अर्जुन को जीवन दान देते हैं। कर्ण अर्जुन के बीच बड़ा ही भयंकर युद्ध हो रहा था। युद्ध के दौरान एक समय अर्जुन ने अपने बाणों से कर्ण को बेहोश कर देते हैं, लेकिन फिर भी कर्ण को मारने के लिए अर्जुन फिर भी बाण चलाते रहते हैं। इसके बाद एक समय कर्ण अर्जुन को बेहोश कर देते हैं, लेकिन बेहोश अर्जुन पर कर्ण ने कोई बाण नहीं चलाया जैसा कि अर्जुन ने किया था।
अर्जुन को बेहोश करके कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने चले गए थे। कर्ण चाहते तो वो आसानी से अर्जुन को मार सकते थे, लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया। इसकी जगह कर्ण अपने रथ को उठाने चले जाते हैं, क्योंकि कर्ण युद्ध में कभी भी अधर्म नहीं करते थे। इस तरह कुरुक्षेत्र में कर्ण ने अर्जुन को दूसरी बार जीवनदान दे दिया था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। इसके साथ मुझे दे इजाज़त, और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।